हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूज अपडेट। शिबा इनू गेम शिबा इटर्निटी वर्ल्ड वाइड डाउनलोड डे अनाउंस करता है $5,000 के प्राइस के साथ। रिवॉल्व अपने सपोर्ट सिस्टम में ऐड करता है शिबा इनू और अदर 28 क्रिप्टो करेंसीज को टू सर्व इट्स यूएस क्लाइंट्स। मीम टोकन स्लाइड करता है 55% इन 5 मंथ्स। डॉट शिप डोमिनेट करते हैं 40.9 बिलियन मीम इकोनॉमी को। ओपन सी एम करता है सोलाना के एनएफटीज को ऑटोमेटिकली इंडेक्स करने के लिए। डोज वेल ग्रैब करते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉइन, जिससे कि 6 न्यू वेल्स बाय करते हैं 620 मिलियन एज डॉज, जिससे कि डॉज 10% बढ़ जाता है। अब बात करते हैं शिबा इनू गेम के बारे में, जिसका हाल ही में डाउनलोड डे अनाउंस किया गया है। अब शिबा इनू गेम को प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे October 1, 2022 से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस अनाउंसमेंट को अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस करते हुए शिबा इनू की टीम ने ऑफिशियली इसकी डेट को रिवील किया। साथ ही एक इवेंट लॉन्च किया शिबा इटर्निटी कम्युनिटी अपडेट का, जिसमें कि उन्होंने ये कहा, इवेंट वेलकम किया उन लोगों का जो इसके लिए एक इंट्रो वीडियो बनाए, और इसके लिए रिवॉर्ड उन्होंने रखा है $5,000 के शिबा इनू टोकन्स। जो भी इस इंट्रो वीडियो का सबसे अच्छा वर्जन बनाएगा उसे फीचर किया जाएगा एज अ ग्रेम ट्रेलर, साथ ही उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो अब ये गेम पूरी तरीके से दुनिया के सामने आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। साथ ही शिबा इनू डेवलपर ने ये गेम ट्यूटोरियल भी शेयर किया, जिससे कि वो यूजर्स जो नहीं जानते कि गेम को किस तरीके से खेलना है, किस तरह से प्ले करना है, वो उस ट्यूटोरियल के थ्रू गेम को प्ले कर पाएंगे। और जो सबसे अच्छा ट्रेलर बनाया के देगा शिबा इटर्निटी गेम के लिए, उसे $5,000 के शिबा इनू टोकन्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं रिवॉल्ट के बारे में। ये एक स्टार्टअप क्रिप्टो फ्रेंडली डिजिटल बैंकिंग स्टार्टअप है, जिसने हाल ही में अपने पेमेंट गेटवे में शिबा और 28 अदर क्रिप्टो करेंसीज को एड ऑन किया, ताकि एग्जिस्टिंग लिस्ट और सपोर्टेड क्रिप्टो एसेट्स को बढ़ाया जा सके। कंपनी का कहना यह है कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन्होंने पार्टनरशिप की एपेक्स क्रिप्टो अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज के साथ में, इवन आने वाले अदर डेवलपमेंट्स के लिए वो और ज्यादा क्रिप्टो एसेट्स को ऑफर करेंगे यूनाइटेड स्टेट में अपने क्लाइंट्स के लिए, जिसके लिए उन्होंने कई सारी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट अपने सिस्टम में एड ऑन किया है। ये एक तरह से वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं यूएस में, ताकि उनके प्रिंट्स रिसेंट टाइम में ऑल ओवर द यूएस में फैल सके, जिसके लिए उन्होंने शीप साथ में 28 अदर क्रिप्टो करेंसी को जगह दी है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब बात करते हैं मेम टोकन इकोनॉमी की। अगर देखा जाए तो पिछले 5 महीनों में टॉप मेम क्रिप्टो करेंसी मार्केट वैल्यूएशन करीब $33.7 बिलियन के करीब था, जिससे में करीब 55% की कमी आई है, जो अब 23 सितंबर को $14.9 बिलियन हो गया, जो कि एक मैसिव ड्रॉप है। एंड देखा जाए डॉज कॉइन ने करीब 20.8% डिक्रीज किया अपने वैल्यू में। शिबा इनू डाउन करता है करीब 19.4% पिछले 30 दिनों में, जो एक तरह से बहुत बड़ा देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मैसिव ड्रॉप है मेम क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेम क्रिप्टो करेंसी का बूम था पिछले 2 सालों में, एंड अभी जो देख रहे हैं वो लोग ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ओपन सी के बारे में। हम सब जानते हैं ओपन सी एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है, जहां पे मोस्टली लोग अपना एनएफटी अनाउंस करते हैं, लॉन्च करते हैं। ओपन सी ने हाल ही में अनाउंस किया वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स और जितने भी सोलाना बेस्ड एनएफटी कलेक्शंस हैं उन्हें जगह देगा अपने प्लेटफॉर्म पे। कलेक्शन जो लिस्ट किए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उनके मार्केट प्लेस से मीटअप करेंगे व्यू क्राइटेरियाज को। तो एक तरह से उन्होंने एम किया है कि सोलाना बेस्ड जितने भी एनएफटीज हैं वो अपने प्लेटफॉर्म के साथ उसको कोलैबोरेट करेंगे और उसका और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओपन सी सोलाना फोकस एनएफटी क्रिएटर्स जो हैं उनको अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो लिस्टिंग के लिए वेट करें, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स बेस्ड फ्यू क्राइटेरियाज के थ्रू लिस्टेड हो जाएंगे ओपन सी के प्लेटफॉर्म पे। साथ ही ये ऑटो इंडेक्सिंग फीचर जो है ओपन सी अपने एनएफटी एक्टिविटी ऑन सोलाना में लेके आ रहा है, साथ ही एनएफटी मिंटिंग सोलाना प्लेटफॉर्म पे जो इससे की जाएगी वो करीब 5% तक बढ़ जाएगी इस साल में। अब बात करते हैं डॉज वेल कॉइन्स।
वेल्स की, जिन्होंने हाल ही में डॉज को अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया है। अगर बात करें तो इनकी तरफ से करीब 620 मिलियन डॉलर के डॉज कॉइन को उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन किया है। एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। इस वजह से डॉज कॉइन के प्राइस में करीब 10% की हाइक देखी गई है, जिससे कि पिछले काफी टाइम से डॉज कॉइन का प्राइस हमने देखा था बहुत काफी डाउन चल रहा था, कोई मूवमेंट खास नहीं ले पा रहा था, बहुत ज्यादा अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी का अगर सिनेरियो देखें तो डॉज कॉइन का प्राइस अच्छा चल रहा है, उसने 10% का स्पाइक लिया है। एंड अभी जो राइज हुआ है वो करीब एक अच्छे प्राइस लेवल तक पहुंच चुका है। एंड आगे आने वाले टाइम में देखेंगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू लाइक द वीडियो, थैंक यू।